नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बॉलीवुड में भारतीय कलाकारों के अलावा कई विदेशी कलाकार भी काम कर चुके हैं। कई विदेशी कलाकारों ने अपनी जबरदस्त अभिनय के दम पर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है। भारतीय दर्शकों को भी उनके अभिनय काफी पसंद आए हैं। भारत में लोग फिल्में बड़ी चाव से देखते हैं। यहाँ हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं। इन फिल्मों में लोग कलाकारों के अभिनय देख उनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, और वो भारतीय नहीं बल्कि विदेशी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी विदेशी एक्ट्रेस के बारे में जो बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं और दर्शकों को उनका एक्टिंग खूब पसंद आया है। सबसे पहले बात करते हैं बारबरा मोरी के बारे में। मैक्सिकन अभिनेत्री बारबरा मोरी 2010 में आई फिल्म काइट्स की हिस्सा रही थी। उस फिल्म में इनका ऋतिक रोशन के साथ रोमांस काफी चर्चा में रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रेचल शैली के बारे में। ब्रिटिश एक्ट्रेस रेचल्स 2001 में बनी फिल्म लगान में नजर आई थी। इन्होंने एलिजाबेथ का किरदार निभाया था। इस कड़ी में अब बात करते हैं एलिस पैटेन के बारे में। साल 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती में एलिस ने शू का किरदार निभाया था। इसमें भारतीय फिल्म स्टार आमिर खान संग इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। अब बात करते हैं सराह थॉम्पसन के बारे में। अमेरिकन एक्ट्रेस सराह थॉम्पसन फिल्म राजनीति में नजर आई थी। इन्होंने रणवीर कपूर की ऑन स्क्रीन प्रेमिका का किरदार निभाया था। अब बात करते हैं जिसेल मोंतिरो के बारे में। फिल्म लव आजकल में सैफ अली खान के साथ जिसेल उर्फ हरनील कौर किरदार काफी उम्दा रहा था। इसके बाद ये एक्टर फजल संग ऑलवेज कभी कभी में भी नजर आई थी। अब बात करते हैं रीबेका ब्रिड्स के बारे में। रीबेका ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं और फरहान अख्तर के साथ बॉलीवुड फिल्म भाग मिल्खा भाग में नजर आई थी। भारतीय एक्टर संग इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। अब बात करते हैं एरिका कार के बारे में। 2016 में बॉलीवुड फिल्म शिवाय रिलीज हुई थी। इसमें एरिका भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगन के संग नजर आई थी। ये पॉलिश अभिनेत्री हैं। अब बात करते हैं एमी जैक्सन के बारे में। एमी जैक्सन एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं और वो भारतीय फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्म एक दीवाना था में एमी ने काम किया था। वो तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अब बात करते हैं जैकलिन फर्नांडिस के बारे में। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की मूल निवासी हैं और बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। 2009 में आई सुजोय घोष की फिल्म अलादीन से उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। अब बात करते हैं नरगिस फाखरी के बारे में। नरगिस फाखरी एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। रणवीर कपूर के साथ फिल्म रॉक स्टार में उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग किया था। अब बात करते हैं एली औरम के बारे में। एली औरम एक स्वीडिश ग्रीक अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड फिल्म मिकी वायरस में उन्होंने शानदार अभिनय किया था। तो ये कुछ विदेशी एक्ट्रेस के नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अभिनय से भारतीय दर्शकों को काफी प्रभावित किया है। अगर आप भी ऐसी ही विदेशी एक्ट्रेस के नाम जानते हैं तो आप उनके नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बात और, जिस बॉलीवुड फिल्म में उन्होंने काम किया है उस फिल्म का नाम भी अवश्य लिखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।